नूह के तावड़ू में डीएसपी की हत्या के बाद करनाल जिला पुलिस क्रिय हो चुकी है। पुलिस खनन माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है ताकि नूह जैसी दर्दनाक वारदात की पुनरावृत्ति ना हो सके। जिला पुलिस अवैध माइनिंग क्षेत्रों में लगातार गश्त करेगी और साथ ही खनन माफियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाएगी। एसपी गंगाराम पूनिया ने कहा कि पुलिस अवैध माइनिंग रोकने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। पिछले साल पुलिस ने अवैध माइनिंग करने वाले 26 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जबकि इस साल 14 केस दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को जहां से अवैध माइनिंग की सूचना मिलती है तो पुलिस टीम सुनिश्चित करती है कि अवैध माइनिंग करने वाले कितने लोग हो सकते हैं, उसके बाद ही आगामी रणनीति बनाकर काम किया जाता है। फिर भी पुलिस पूरी संख्या बल को लेकर खनन माफियाओं को पकड़ेगी। एसपी ने कहा कि अवैध माइनिंग रोकने के लिए जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें डीसी, एसपी, माइनिंग अधिकारी व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी शामिल होते हैं, जो हर माह में मीटिंग करते हैं। अवैध माइनिंग रोकने के लिए पूरी रणनीति बनाई जाती है और साथ ही जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला में अवैध माइनिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन भी अवैध माइनिंग करने वालों की सूचना पुलिस व माइनिंग अधिकारियों को दें ताकि खनन माफियाओं को पकड़ा जा सके। देखिए, अवैध खनन को लेकर के जिला पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर और सचेत है। हमारी हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग भी होती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपी और माइनिंग ऑफिसर और बाकी अन्य जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं और जो भी इश्यूज़ जो आते रहते हैं उन पे लेकर के चर्चा करते हैं और ये इंश्योर करते हैं किसी भी सूरत में ज़िले में अवैध माइनिंग ना हो। और यदि कहीं से भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त होती है तो हम इंश्योर करते हैं कि उसको वेरीफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विगत 2021 में टोटल 26 और इस साल में अब तक 14 FIR टोटल ऐसे वाहनों के खिलाफ दर्ज की गई है जो अवैध रूप से खनन का परिवहन कर रहे थे। किस तरह की कार्रवाई सर की जाती है? देखिए, ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उन्हीं के ही माइनिंग ऑफिसर की तरफ से ही FIR दर्ज कराई जाती है, क्योंकि जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसके तहत माइनिंग ऑफिसर को ही ये पावर है कि वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। जो भी ऐसे व्हीकल जिसमें खास तौर पे करनाल जिले की अगर बात करें तो मान लो कोई बजरी अवैध रूप से लेके जा रहा है तो वो उसको पकड़ करके उसके बाद में उसमें जुर्माने का भी प्रोविज़न होता है। यदि वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसके बाद में FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है और जिला पुलिस उसके बाद में जाँच करते हुए चालान है वो माननीय न्यायालय में पेश करती है। खबरनामा हरियाणा के लिए मुस्कान।